गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी ऑफ मैथ क्लास थर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड आज हम वर्कशीट नंबर सिक्स करेंगे. सो लेट वी स्टार्ट. डिवाइड टू फाइंड द क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. यहाँ पर आपको डिवाइड की प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है और इसमें क्वाड्रेंट और रिमाइंडर बताना है. तो चलिए पहला करते हैं. टेबल पढ़ते हैं थ्री का. थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री जा नाइन. थ्री के बारे में थ्री बार नाइन आ रहा है, तो यानी कि ये तो पूरा जा रहा है हमारा. थ्री जा नाइन. नाइन में से नाइन गया ज़ीरो. नाइन में से हम नाइन माइनस करेंगे तो हमारा ज़ीरो बचेगा. अब इसमें बताना हमें क्वाड्रेंट और रिमाइंडर. क्वाड्रेंट तो हमारा होता है ये और रिमाइंडर होता है हमारा ये, तो हम यहाँ पर लिख देंगे. कि क्वाड्रेंट हमारा है थ्री और रिमाइंडर है हमारा ज़ीरो. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर बी. फोर के टेबल में देखते हैं 34 आता है कि नहीं. फोर के टेबल में 34 नहीं आता, तो इसका मतलब हमें फोर का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कोई संख्या 34 से छोटी हो, ना कि इससे बड़ी. तो 4 8 जो 32 होता है और 4 9 जो होता है 36. तो 36 तो इससे बड़ी है, तो बड़ी हम चला नहीं सकते. तो 4 8 जो 32 लेंगे. 4 8 जा 32. 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेंट इज इक्वल टू हमारा कितना है 8. ये क्वाड्रेंट है और ये रिमाइंडर है. रिमाइंडर है हमारा 2. तो स्टूडेंट ये डिवाइड के सम्स हैं और बहुत इजी है. सी डी ई एफ आपको खुद ही करना है. तो चलिए आगे देखते हैं. आगे हैं हमारे सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. आगे हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, तो देख लीजिए किस तरह से होंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देयर आर 963 मैन, 847 वुमेन एंड 988 चिल्ड्रन इन अ टाउन. व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन. एक टाउन में जो है 963 मैन रहते हैं, 847 वुमेन रहती है और 988 चिल्ड्रन रहते हैं. तो उस टाउन की हमें टोटल पॉपुलेशन बतानी है, यानी कि टोटल जो है कितने लोग रहते हैं. तो मैन की संख्या लिख देंगे, वुमेन की लिख देंगे और चिल्ड्रन की लिख देंगे. अब जब टोटल पॉपुलेशन पूछी है तो हम प्लस करेंगे. 37 को प्लस करेंगे, 10 में 8 प्लस करेंगे 18. 8 यहाँ लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी लगाएंगे. 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19. 9 यहाँ लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी लगाएंगे. 9 और 1 10, 10 प्लस 8 18, 18 में 9 जोड़ेंगे 27. तो आ जाएगा हमारा 2798. ये हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 912. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 687, फाइंड द अदर नंबर. दो नंबरों का सम दे रखा है हमें 912, जिसमें से कि एक नंबर है हमारा 687, तो दूसरा नंबर हमें बताना है. तो लिख देंगे आंसर सॉल्यूशन में, द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 912, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है. वन नंबर दे रखा है हमारा 687, वो भी लिख देंगे. अब जब सेकंड नंबर हमें निकालना है, इसका अदर नंबर, तो सिंपल सी बात है, टोटल वाले में से
जो टोटल होगा दोनों का, उसमें से जो एक नंबर दे रखा होगा उसे माइनस कर देंगे। अब देखिए माइनस कैसे करते हैं, टू में से सेवन तो माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से वन बोरो कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ट्वेल्व। ट्वेल्व में से सेवन गया, ट्वेल्व में सेवन माइनस करेंगे फाइव, तो यहाँ बचा ज़ीरो। अब लेफ्ट साइड से फिर वन बोरो कर लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा टेन। टेन में से एट गया, टेन में से एट माइनस करेंगे टू, यहाँ कितना बचा एट। एट में से सिक्स माइनस करेंगे टू, तो आंसर आ जाएगा हमारा 225। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राम इज गोइंग ऑन ए पिलग्रिमेज विथ हिज ग्रैंड मदर इफ दे कवर अ डिस्टेंस ऑफ 39 किलोमीटर एवरी डे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इन अ वीक। राम जो है अपनी जो है ग्रैंड मदर के साथ तीर्थ यात्रा पर गया है, तो एवरी डे वो जो है 39 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो टोटल डिस्टेंस बतानी है हमें, वो भी वीक की। तो वीक में जो है कितनी टोटल डिस्टेंस वो जो है कवर करता है, तो लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन अ एवरी डे 39 किलोमीटर, और डिस्टेंस कवर्ड इन अ वीक, यानी वीक में होते हैं सात दिन, तो सात से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 39 इंटू सेवन। टर्न द नेक्स्ट पेज, 39 मल्टीप्लाई सेवन, सेवन नाइन जा 63, थ्री यहाँ लिखेंगे, सिक्स ऊपर यारी लगाएंगे, सेवन थ्री जा 21, 21 में सिक्स ऐड करेंगे 27। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देयर आर सेवन डेज इन अ वीक, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 56 डेज। एक हफ्ते में जो है सात दिन होते हैं, तो 56 डेज में कितने हफ्ते होंगे, यानी कितने वीक्स होंगे, तो वन वीक सॉल्यूशन में लिखेंगे, वन वीक इज इक्वल टू सेवन डेज, वीक इन 56 डेज इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय सेवन। सेवन से इसको डिवाइड करेंगे और ये पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि सेवन के टेबल में एट बार हमारा 56 आता है, सेवन एट जाए 56 और ये पूरा हमारा कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, देवांश बॉट अ पेंसिल बॉक्स फॉर ₹53, ही गेव अ 100 rupee नोट टू द शॉपकीपर, फाइंड द अमाउंट रिटर्न बाय द शॉपकीपर। देवांश ने जो है एक पेंसिल बॉक्स खरीदा 53 rupees का, और उसने शॉपकीपर को जो है 100 rupees दिए, तो शॉपकीपर ने उसे जो है कितने रुपीस रिटर्न किए, तो देवांश ने जो है कितने रुपीस दिए थे, 100 rupees, तो 100 को ऊपर लिखेंगे, और पेंसिल बॉक्स जितने ख़रीदा था उसे हम नीचे लिखेंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी उतनी अमाउंट हो जाएगी, उतनी अमाउंट हमारी आ जाएगी जो शॉपकीपर ने देवांश को रिटर्न किया। तो अब जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो लेफ्ट साइड से वन बोरो ले लेंगे, तो यहाँ ज़ीरो है ऊपर, ये टेन हो जाएगा, टेन में से थ्री गए, माइनस करें सेवन, यहाँ बचा नाइन, नाइन में से फाइव माइनस करें फोर, तो आ जाएगा हमारा 47 rupees। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, दित्ती इज कैरिंग टू वाटर बॉटल्स, कैपेसिटी ऑफ वन बॉटल इज 2 liter 250 milliliter एंड अदर बॉटल इज 5 liter 425 milliliter वाटर, हाउ मच वाटर इज दीप्ति कैरिंग विथ हर। दीप्ति ने जो है 2 bottle जो है कैरी की हुई है, कैपेसिटी ऑफ वन बॉटल की जो है 2 liter 250 milliliter है, और दूसरी बॉटल की जो है कैपेसिटी वो 5 liter और 425 milliliter है, तो टोटल जो है दोनों की दीप्ति ने टोटल जो है कितनी वो कैरी की हुई है, तो लिखेंगे वन बॉटल की 2 liter 250 milliliter, अदर बॉटल की लिखेंगे 5 liter 425 milliliter, इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि हमसे जो है ये पूछा गया है दीप्ति ने टोटल कितनी वाटर बॉटल कैरी की हुई है, उसकी कैपेसिटी पूछी है,
तो कैपेसिटी पूछी है तो दोनों को हम टोटल कर देंगे। ज़ीरो में फाइव प्लस करेंगे फाइव, फाइव में टू प्लस करेंगे सेवन, टू में फोर प्लस करेंगे सिक्स, टू में फाइव प्लस करेंगे सेवन, तो आ जाएगा हमारा सेवन लीटर, 675 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, अमित वेट 36 किलोग्राम 250 ग्राम, वेयर एज हिज फ्रेंड राहुल वेट 43 किलोग्राम 45 ग्राम, हु वेट मोर एंड बाय हाउ मच। अमित का वेट दे रखा है 36 किलोग्राम 250 ग्राम और उसके फ्रेंड राहुल का वेट दे रखा है 43 किलोग्राम 45 ग्राम, तो किसका वेट जो है ज़्यादा है और कितना? तो सॉल्यूशन देखिए, अमित का वेट लिख लेंगे हम और राहुल का वेट लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या करेंगे, जो राहुल का वेट दे रखा है इसमें से हम 1 किलोग्राम यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ 42 किलोग्राम बचेगा, और उस 1 किलोग्राम को जब हम ग्राम में पहुँचाएँगे तो 1 किलोग्राम में हमारे होते हैं 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम जो है हमारे 45 में ऐड हो जाएंगे, 45 में प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 1045 ग्राम। तो ये हमने अमाउंट बना ली अपनी एक। अब ये हमने बनाई क्यों? बनाई इसलिए ताकि इजीली सब्सट्रैक्ट हो जाए, तो इसे हम ऊपर लिखेंगे, 42 किलोग्राम 1045 ग्राम माइनस 36 किलोग्राम 250 ग्राम, ये राहुल का वेट है और ये अमित का वेट है। अब ये इजीली माइनस हो जाएगा, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से 1 एक बोरो ले लेंगे, तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, यहाँ बचेगा हमारा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, तो लेफ्ट साइड से 1 बोरो ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 किलोग्राम 795 ग्राम। तो लिख देंगे राहुल वेट मोर देन अमित, क्योंकि राहुल का वेट जो है ज़्यादा है अमित से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड कलेक्टेड रुपीज़ 525 फॉर सम चैरिटी, इफ ईच कलेक्टेड रुपीज़ 15 व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। क्लास थर्ड के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने चैरिटी के लिए जो है रुपीस कलेक्ट किए हैं 525, यदि प्रत्येक ने जो है कलेक्ट किए हैं 15 रुपये, तो स्ट्रेंथ बतानी है क्लास की, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, स्टूडेंट कलेक्टेड फॉर चैरिटी 525 रुपीस, ईच कलेक्टेड इजिकल टू 15 रुपीस, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास पूछी है तो सीधी सी बात है डिवाइड कर देंगे 525 डिवाइडेड बाय 15, 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 से जब डिवाइड करेंगे हम इसे, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45 और 15 फोर जा 60, तो 60 ज़्यादा होगा तो 15 थ्री जा 45 लेंगे। अब 52 में से 45 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 7, ऊपर से उतार लेंगे 5, अब 15 के टेबल में 75 हमारा कितनी बार आता है, 5 बार, तो ये हमारा 5 बार चला जाएगा, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 35। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये सम्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आपको ये अपनी होमवर्क की कॉपी में करने हैं। एंड दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड द लास्ट थिंग इज स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।